उन्होंने हर मैच में अपने यंगस्टर को मौका दिया है, हर प्लेयर को उन्होंने मौका दिया, तो ये होना चाहिए सीरीज़ में, ये मौका देना चाहिए, क्योंकि सीरीज़ में अगर हम मौका देंगे तभी हम कोई अच्छा प्लेयर मिलेगा हमें। लेकिन पाकिस्तान टीम में मैंने ये देखा है कि खिलाड़ियों को बैक जरूर करते हैं, उन्होंने प्रॉपर चांस दिए हैं सब खिलाड़ियों को, लेकिन वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। उधर तो ये ऐसे देखा जाए तो ये आसिफ अली हो गया, खुशदिल शाह हो गया, ये ऐसे प्लेयर नहीं उधर चलेंगे, उधर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्रिकेट टॉक विद उस्मान गनी। तो जैसा कि आपको बताया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज जारी है। छठा मैच कल रात खेला गया और इसमें पाकिस्तान को एक वन साइडेड शिकस्त हुई है। इंग्लैंड की बैटिंग ने पाकिस्तान के बॉलरों की एक न चलने दी और उन्होंने एक वन साइड मैच कर दिया। खास तौर पर उनके जो ओपनर बल्लेबाज थे फिल सॉल्ट, उन्होंने एक धुआंधार इनिंग खेली और पाकिस्तानी बॉलर्स बिल्कुल बेबस नजर आए उनकी बैटिंग के सामने। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ओवरऑल पाकिस्तान और इंग्लैंड की इस सीरीज को लेकर बात करेंगे, पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे, मिडिल ऑर्डर को लेकर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त जैद, इनसे हम इनके तासुरात लेंगे, इनके व्यूज लेंगे पाकिस्तान की टीम को लेकर। अस्सलाम वालेकुम जैद। वालेकुम अस्सलाम जी। जैद बताएं, क्या आपके तासुरात हैं, क्या कैसी आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को? वर्ल्ड कप हमारे सामने है, तो आप पाकिस्तान टीम को कैसा देख रहे हैं, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई देखा जाए परफॉर्मेंस, यार मिडल ऑर्डर का ही मसला है हमारा, हमारी टीम में शुरू से मिडल ऑर्डर का मसला चलता आ रहा है। जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था लास्ट ईयर में वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसमें हम मोहम्मद हफीज़ था और शुएब मलिक थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, एंड तक लेके जाते हैं मैच को। और अगर हम मौजूदा बात करें टीम में, तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले, एंड तक इनिंग को लेके चले। बाबर या रिजवान दोनों में से अगर एक कोई एंड तक चलता है तो फिर ही मैच में कोई स्कोर रन वगैरह आते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो इस सीरीज़ में। एशिया कप में भी अगर हम देखें तो कोई ऐसा प्लेयर हमें नहीं नज़र आया कि जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला। जी जैसा कि जैद भाई ने बताया, हमारे सिर्फ जो दोनों ओपनर्स हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, उन्हीं पर पाकिस्तान रिलाय करता है। इस सीरीज़ में भी हमने यही देखा है, मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्म किया है, उसके अलावा कल मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया गया, जो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि वो लगातार खेलते आ रहे हैं, उनको रेस्ट देना चाहिए था। और हमने उनकी जगह जो हारिस को खिलाया, हम कह रहे थे उसको चांस देना चाहिए, और अच्छी बात है उनको चांस दिया, हमने देखा कि वो कैसा खेलते हैं, कैसा वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा कल हारिस को भी रेस्ट दिया गया, उनको भी रेस्ट देना बनता था, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें डर है कि कहीं उन्हें भी कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि शहीन और नसीम पहले ही टीम से बाहर हैं, और हमारे वो एक मेन वेपन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो हमारे लिए बहुत कारामद साबित होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हमें इस रोटेशन पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहिए ना? जी बिल्कुल, देखें ना, अब इंग्लैंड की जो टीम आई है उन्होंने हर मैच में अपने यंगस्टर को मौका दिया, हर प्लेयर को उन्होंने मौका दिया, तो ये होना चाहिए सीरीज़ में, ये मौका देना चाहिए, क्योंकि सीरीज़ में अगर हम मौका देंगे तभी हम कोई अच्छा प्लेयर मिलेगा हमें। अगर हम वही टीम के साथ खेलते रहे, अभी उनके जो हैं ये तो जूनियर थे उनके, इंग्लैंड के कोई सीनियर प्लेयर ही नहीं था उनका, मतलब देखा जाए तो इन्होंने तो अपनी फुल साइड खिलाई है, किसी को चांस एंड पे दे रहे हैं, चांस इसे कोई दे ही नहीं रहे। उन्होंने हर बंदे को अपने यंगस्टर को चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म भी किया। चांस देने से ही होता है कि चांस देंगे, जितना ज़्यादा आप चांसेस देंगे तो प्लेयर फिर ही परफॉर्म करेगा। और जो रही बात रेस्ट की, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप देखें ना शाहीन अफरीदी को, जब से वो इंटरनेशनल में उसने कदम रखा है तो तब से आप पाकिस्तान टीम उसको खिलाई जा रही है, कोई रेस्ट नहीं है, टेस्ट में है, वन डे में है, T20 में, ऐसे फिर इंजरी होगी, जाहिर सी बात है, वो अकेला बॉलर है, आपका स्टार बॉलर है, आपको कोई रेस्ट उसको देनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि उसको हर सीरीज़ में हर टेस्ट मैच खिला रहे हैं, हर वन डे खिला रहे हैं, तो ये गलत बात है। देखें ना, जैसे फिल सॉल्ट को ले लें, वो पूरी सीरीज़ में नहीं चला उन्होंने, लेकिन उसको ड्रॉप नहीं किया, लेकिन कल उसने क्या इनिंग खेल लिया, क्या प्रॉपर उसने शॉट्स लगाए हैं, ये नहीं उसने के स्लो किए हैं जैसे हमारे खिलाड़ी करते हैं, आसिफ अली हो गया ऐसे स्लो आकर करते हैं, जैसे टेप बॉल खेल रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर शॉट्स मारी हैं, ऑन दी अप मारे हैं, स्पिनर को कितना अच्छा वो खेले हैं, नवाज़ को उन्होंने सीधी शॉट कितनी आला लगाई हैं, तो ये एक बिलीव होता है खिलाड़ी के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान टीम में मैंने ये देखा है कि खिलाड़ियों को बैक जरूर करते हैं, उन्होंने प्रॉपर चांस दिए हैं सब खिलाड़ियों को, लेकिन वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, किसी मैच में हमें परफॉर्म नहीं करके दे रहे। कल भी हमने देखा कि रिजवान को कल रेस्ट दिया गया और उसकी जगह हारिस को खिलाया, वो भी कुछ ना कर सके। उसके अलावा शान मसूद को इस पूरी सीरीज में चांस मिले हैं, सिर्फ एक उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है, और ये बातें उनकी काफ़ी बातें हो रही थी, उनको चांस देना चाहिए, लेकिन वो भी सीरीज़ में थोड़े से कन्फ्यूज़ नज़र आए हैं हमें, प्रेशर में नज़र आए हैं। उसके अलावा कल भी बाबर आजम ने स्कोर किया है, हम यही देख रहे हैं यहाँ रिजवान स्कोर करते हैं या बाबर स्कोर करते हैं। कल भी बाबर आजम लास्ट तक खेल रहे हैं, एंड पर थोड़ा सा इफ्तिखार
ने उनका साथ दिया, बाकी कोई खिलाड़ी ना कुछ कर सका। आसिफ अली भी कल फ्लॉप हो गए बिल्कुल, बातें वो कर रहे थे कि मुझे ओवर नहीं मिलते, बोले नहीं खेलने को मिलनी, दो मैच हो गए उनको 8 ओवर खेलने को मिले हैं, कल भी उनको 5 ओवर खेलने को मिले हैं, तो कुछ कर नहीं रहे। तो इस हवाले से बताएं मिडल ऑर्डर को हमारे प्रॉब्लम जो है, ऑस्ट्रेलिया में हमारा वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल ऐसे ही है उधर, तो ये ऐसे देखा जाए तो ये आसिफ अली हो गया, कुछ दिन शाह हो गया, ये ऐसे प्लेयर नहीं उधर चलेंगे, उधर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। उधर विकेटें बहुत तेज़ हैं, हो सकता है कि बाबर आजम और रिजवान जल्दी आउट हो जाएं, या वो ये ज़रूरी नहीं है कि हर मैच वही हमें जिता के जाएं, तो मिडल ऑर्डर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब सबसे जो मेन बात है ना इनमें, अब शुएब मलिक की जगह अब जो एक्सपीरियंस खेल रहा है वो इफ्तिखार अहमद है, इफ्तिखार अहमद को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि वो इन सबसे सीनियर है, इस टाइम खेल रहा है मिडल ऑर्डर, सबसे ज़्यादा मेन नंबर पर अब वो खेल रहा है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि एंड तक खेल के जाए। तो 2-3 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं ऐसी 30 रन की, बस ये है कि ये इनिंग नहीं है इतनी अच्छी, देखा जाए उसको एंड तक, अगर वो खड़ा है तो उसको एंड तक जाना चाहिए, उसका अब जैसे बाबर आजम साथ है उसका साथ देना चाहिए, एंड तक खेल के अपनी इनिंग को फिनिश करे, अच्छा एक फिनिश दे, अच्छा टारगेट दे, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना चाहिए। शान मसूद बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन वो भी अंडर प्रेशर आया हुआ है, वो बड़ी शॉटें मारने के चक्कर में ना बस अपनी नेचुरल गेम नहीं कर रहा, उसकी ये गेम है ही नहीं, वो जो गेम कर रहा है वो बस अपनी पावर हिटिंग इम्प्रूव कर रहा है कि मैं बस पावर हिटर हूँ, ऐसे नहीं, उसकी ये गेम है ही नहीं, उसकी गेम पहले सेट होता है फिर वो शॉट्स वगैरह पे जाता है, लेकिन इस सीरीज़ में हमने देखा है कि वह पहले ही शॉट्स पे जा रहा है, सेट वगैरह होने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कल जैसे आपने फिल सोल्ट की बैटिंग देखी होगी तो कितना अच्छा वो खेल रहे हैं, प्रॉपर उसने शॉट्स लगाई हैं, ये पीएसएल में भी खेल चुके हैं लेकिन पीएसएल में इतना कोई कामयाब नहीं हुए, और कल इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं फिल सोल्ट के बारे में। फिल सोल्ट बहुत अच्छा प्लेयर है, देखा जाए अगर वो 2-3 मैचेस में जिसमें आउट हुआ है शॉट्स बहुत अच्छे लगाए थे, वो अनलकी रहा है कि डायरेक्ट फील्डर के हाथ में गई है, बहुत अच्छा प्लेयर है, पीएसएल भी खेला हुआ है, उसको कंडीशंस का पता है, इधर खेला हुआ है तो काफ़ी अच्छी उसने कल शॉट मारी है, एक क्रीज का यूज़ उसने बहुत अच्छा किया है, तो अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी बैटिंग उसने की है कल, तो ये नहीं है कि बस आते साथ ही घुमाना शुरू कर दे, ये बात नहीं है उसमें, वो बॉल देख के जिधर का बॉल है उधर कोई खेलता है, तो इस वजह से वो कामयाब है। और पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बताएं, कल बिल्कुल फ्लॉप रही लेकिन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मेन बॉलर नहीं थे, हारिस रऊफ नहीं थे, जिसमें शाहीन नसीम दोनों नहीं थे, तो कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी, तो एक बुरा दिन था पाकिस्तान की बॉलिंग में का, क्योंकि हमने पिछले मैचेस में देखा बहुत अच्छा डिफेंड किया पाकिस्तान ने, ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखें तो हमें अच्छी बॉलिंग नज़र आ रही, अगर अल्लाह करके शाहीन इंजरी से रिकवर करके वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा हो जाएँ, नसीम आ जाएँ, हारिस रऊफ होंगे, शदाब नवाज़, तो हमारी बॉलिंग लाइन अच्छी है, उससे आप सेटिस्फाई हैं? देखें जी बॉलिंग लाइन तभी अच्छी होगी अगर शाहीन अफरीदी वापस आएगा, नसीम होगा और हारिस रऊफ होंगे, इसके अलावा किसी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिस पे हम बिलीव कर सकें। शुरू में न्यू बॉल के साथ तो अच्छा बॉल कर लेते हैं कोई बॉलर, लेकिन हमारे जो डेथ में है ना, जिधर मेन बॉलर की मेन इशू डेथ का है ना, का है मेन इशू ये है कि अगर डेथ में ही हम रन नहीं बचा पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, न्यू बॉल से अगर हमें विकटें मिल भी जाती हैं एंड पे हम उतने ही डबल रन दे देंगे उनको तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह का होना टीम में बहुत ज़रूरी है। अच्छा हमें एक खबर मिली है बुमराह, जसप्रीत बुमराह इंडिया की टीम में शामिल नहीं है, वो इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, तो वो कितना बड़ा धचका है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे बॉलर, हमने देखा है कि एशिया कप में वो नहीं थे, इंडिया को उसका बहुत नुकसान हुआ, खासतौर पर डेथ बॉलिंग में वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार को ले लें, अर्शदीप ले लें, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके, बुमराह की वो जगह फिल नहीं कर सकता जो भी प्लेयर होगा, तो कितना बड़ा नुकसान है इंडियन टीम के लिए? मेरे हिसाब से तो उनकी बैकबोन ही थी बुमराह, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको, बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो डेथ में अगर 10 से 12 रन आखिरी ओवर में पड़े हो तो वो डिफेंड कर सकता है, इतना अच्छा बॉलर है, तो अगर देखा जाए उनके पास्ट मैचेस की बात की जाए, जब बुमराह और भुवनेश्वर कुमार होते थे तो डेथ में इतने रन देते नहीं है, डिफेंड बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने टोटल डिफेंड किए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने एशिया कप भी इसीलिए नहीं उसको खिलाया कि ताकि वर्ल्ड कप खेल सके, और एक मैच ये अभी खिलाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उधर, फिर वो इंजर्ड हो गया तो इस वजह से फिर बाहर है, तो काफ़ी ज़्यादा धचका मिला इंडिया को। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बात की कि इंडियन टीम को काफ़ी बड़ा धचका है, तो हम दुआ करते हैं कि हमारा शाहीन जो है वो अच्छे से रिकवर कर जाए, हमें वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो, क्योंकि पाकिस्तान उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है। तो ज़ैद अगर हम बात करें, अब जो 7वां T20 मैच खेला जाएगा, एक डिसाइडर होगा, क्योंकि 3-3 से सीरीज़ बराबर हो चुकी है, बहुत ही शानदार सीरीज़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों टीमों को जो तैयारी है वर्ल्ड कप की उसके लिए अच्छा उनको प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है, दोनों टीमें अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही हैं, तो अब T20 में कैसा आप देख रहे हैं, कौन सी टीम आपको जीती हुई नजर आ रही है, और क्या पाकिस्तान को कोई चेंजेस करनी चाहिए इस टीम में?
देखा जाए सीरीज तो अच्छी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जैसी ये टीम अपनी खिलाई है, ये वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने स्क्वाड है जो वो खिला रहे हैं, इसको टीम अपनी खिला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो जो इन्होंने तीन हारे हैं ना T20, एक आध हो चलो बंदा हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये अपनी प्रॉपर टीम वर्ल्ड कप के लिए जो खेलनी है वो खिलाई है इन्होंने पूरा सीरीज ही, तो इतने मैचेस हारने नहीं चाहिए। अभी तो उनकी बी टीम है देखा जाए तो, उन्होंने बी टीम खिलाई है, भले ही उनके प्लेयर हैं जो अभी तो जोस बटलर नहीं खेले उसमें से, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं वो नहीं अभी खेल रहे, उनके कई प्लेयर आए नहीं इंजर्ड हैं उसकी वजह से, उन्होंने अभी बी टीम खिलाई, वो बी टीम तीन मैचेस इनकी जीत गई है, तो इससे लगता है कि पाकिस्तान की जो है ना प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए वो काफ़ी वीक है, तो मेन मसला इनका मिडल ऑर्डर का है, और अगर शाहीन अफरीदी वापस नहीं आते तो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान। तो क्या आप देख रहे हैं जो वर्ल्ड कप इन्होंने स्क्वाड ऐलान किया उसमें आप चेंजेस होती हुई देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, हर दफ़ा कोई ना कोई चेंज हो जाता है, हमारी ये रवायत रही है वर्ल्ड कप को लेकर, तो क्या आप देख रहे हैं कोई चेंज हो रहा है आपके लिहाज से? चेंजेस भाई देखे ना बनती नहीं है, क्योंकि पीछे कोई प्लेयर है ही नहीं इनके पास, कोई अवेलेबल इन्होंने कोई प्लेयर तैयार चांस ही नहीं दिए, चांस ही नहीं दिए किसी को, इन्हीं को खिलाई जा रहे हैं, तो अब इनको मेरे ख्याल से लेकर जाना चाहिए, इन्हीं को ही जाएंगे लेकर, और कोई प्लेयर ही नहीं, अश्वेब मलिक था उसको एशिया कप में भी नहीं खिलाया, तो वर्ल्ड कप में कैसे लेंगे उसको, जब एक प्लेयर को आपने चांस ही नहीं दिया तो उसको कैसे डायरेक्ट, अगर उसको वर्ल्ड कप में भी लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा, तो मेरे हिसाब से कोई बंदा है ही नहीं पीछे जिसको ये चांस दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मेरे ख्याल से जैद भाई ने ठीक बात की है, इन्हीं खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए और इन्हीं को वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को चांस दे रहे हैं, काफ़ी देर से यही खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं, तो अब चेंजेस करना मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी बात होगी, फ़खर शायद वापस आ जाएँ और ये एक चेंज हो सकती है, बाकी नहीं मेरा ख्याल कोई चेंज होगा पाकिस्तान टीम में। और अब सातों T20 मैच कल खेला जाएगा, तो उसके लिए बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तान टीम को, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा करना है, वहाँ पर ट्राई सीरीज़ खेल नहीं है, तो वहां पर भी पाकिस्तान को प्रिपरेशन का मौका मिलेगा, अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़ियाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने चैनल के लिए, थैंक यू जी। तो अब आपसे एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले जैसे मैं हर बार आपसे कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।